हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट ऑफ बॉडी। और मैं हूं अनिल सानी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। उससे ये फ़ायदा होगा इन फ्यूचर में अगर कोई भी वीडियो बनाऊंगा वो आप तक पहुँच जाएगी। और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिए। आर्ट ऑफ बॉडी AB के नाम पर अकाउंट है, जाइए वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। सो गाइस, जो आज का मेरा टॉपिक है वो विनस्टॉल के ऊपर है, जो एक स्टीरॉयड ड्रग है जो यूज़ की जाती है बॉडी बिल्डिंग में। तो गाइस, मैं आपको इसके यूजेस, बेनिफिट्स, साइड इफेक्ट, डोजेस और इसकी PCT के बारे में बताऊंगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा इसके यूजेस के बारे में, जो किन लोगों को यूज़ करना चाहिए और किन लोगों को नहीं। तो गाइस, जिन लोगों की फैट परसेंटेज 13 से 14% है, जो उन लोगों को बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगा। और जो लोगों की फैट परसेंटेज 16, 18 और 20 तक है, ये उन लोगों को इतना अच्छा इफेक्ट नहीं डालेगा और उनको बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो गाइस, इसका यूज़ बॉडी बिल्डिंग में मसल में कटिंग लाने के लिए होता है, मसल में ड्राइनेस लाने के लिए, मसल को हार्डर दिखाने के लिए होता है और हमारी मसल को लीन रखने के लिए किया जाता है। तो गाइस, अब मैं बात करूँगा इसके बेनिफिट के बारे में, आपको कौन कौन से बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो गाइस, जो विनस्टॉल है वो कन्वर्ट नहीं होता एस्ट्रोजन में, जिसकी वजह से आपको चेस्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी, मीन्स कि आपको गायनो की प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड, ये आपकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ा देगा। थर्ड, ये आपकी बॉडी में गेनिंग को प्रोटेक्ट करेगा। फोर्थ, ये वाटर रिटेंशन है, ये आपकी बॉडी में वाटर होल्ड नहीं होने देगा। फिफ्थ, ये रिड्यूस करेगा आपकी फैट को। तो गाइज, इसके और भी कई सारे फायदे हैं जो आपको मिलेंगे। तो गाइज, अब चलते हैं इसके साइड इफेक्ट की तरफ, आपको कौन कौन से साइड इफेक्ट मिलने वाले हैं। तो गाइज, अगर आप स्टीरॉयड यूज़ करें, इसके साइड इफेक्ट बहुत ही कॉमन है जो आपको मिलेंगे ही। तो गाइज, आपको जॉइंट पेन रह सकती है, आपकी हड्डियों में दर्द रहेगा, आपकी जो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन है वो शट डाउन हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम भी आ सकती है। ये आपके लीवर के लिए टॉक्सिक है। आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम आ सकती है, एज की प्रॉब्लम आ सकती है, बैड कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में इंक्रीज होने लगेगा। तो गाइज, इसके और भी कई सारे साइड इफेक्ट है जो आपको मिलेंगे। तो गाइज, अब बात करते हैं इसकी डोजेस के बारे में, आपको किस हिसाब से इसकी डोज लेनी है। तो गाइज, बिगनर्स, इंटरमीडिएट और एडवांस सबके लिए इसकी डोज अलग है। तो गाइज, जो बिगनर्स है वो इसकी डोज रखेंगे 25 mg, जो इंटरमीडिएट है वो 40 mg रखेंगे और जो एडवांस है वो 50 mg तक रखेंगे। तो गाइज, अब बात करते हैं इसके साइकिल के बारे में, बिगनर्स, इंटरमीडिएट और एडवांस के लिए सबके लिए इसका साइकिल सेम है, जो 6 से 8 वीक तक आप चला सकते हैं। तो गाइज, इसका जो साइकिल वो आपको शॉर्ट टर्म में चलाना है, शॉर्ट टर्म से ज़्यादा इसका साइकिल मत चलाइए गाइज, आपको कई सारे साइड इफेक्ट मिल सकते हैं जो आपको कई सारी प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। तो गाइज, अब मैं बात करूँगा इसकी PCT के बारे में, जिसे हम पोस्ट साइकिल थेरेपी बोलते हैं। तो गाइज, साइकिल ख़त्म होने के बाद ही आपको तीसरे दिन से इसकी PCT स्टार्ट करनी है, जिसमें कुछ मेडिसिन और इंजेक्शन आ जाते हैं, उसको मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो गाइज, जो इसकी PCT है वो आपको 3 से 4 वीक तक करनी है, जिसमें आपको 1 से 10 दिन तक HCG इंजेक्शन यूज़ करना है, जिसकी डोज आपको रखनी है 500 से 1000 IU तक। तो गाइज, इंजेक्शन की डोज ख़त्म होने के बाद आपको जो मेडिसिन यूज़ करनी है वो है क्लोमिड और नॉर्वाडेक। इन दोनों में से आपको कोई भी एक मेडिसिन चूज़ कर लेनी है जो आपको लेनी है। तो गाइज, 1 से 2 वीक तक अगर आप क्लोमिड यूज़ कर रहे हैं आपको उसकी डोज रखनी है 150 mg तक, अगर आप नॉर्वाडेक यूज़ कर रहे हैं आप उसकी डोज आपको रखनी है 40 mg तक। देन 3rd से 4th वीक आपको क्लोमिड की जो डोज है वो आपको 100 mg कर देनी है, अगर आप नॉर्वाडेक्स ले रहे हैं उसकी डोज आपको 20 mg कर देनी है। तो गाइज, जो मेडिसिन का साइकिल वो आपको 4 वीक तक ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना। तो गाइज, मैंने आपको फुली इन्फॉर्मेशन दे दिया है विनस्टॉल के ऊपर, अगर आपको इसे यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। तो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू गाइज़।